गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं लाइफ से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे वीडियोस। तो फिर वेट क्यों कर रहे हैं? अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी दे दीजिए अपना थम्स अप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अंजलिबिष्टसामंत। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। वेल आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव है और आज के वीडियो के एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो भी आपका स्पेयर और एक्स्ट्रा टाइम होता है, जिस टाइम पे आप बोर होते हैं और सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं और टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, तो अपने इस एक्स्ट्रा टाइम को आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर दो ये कि आप एक बहुत थोड़े से अमाउंट में एक बहुत ब्यूटीफुल सा होम डेकोर का आइटम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बना सकते हैं। नंबर थ्री ये कि आपका घर का जो भी वेस्ट सामान है जिसको हम नॉर्मली यू नो डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो आप उस वेस्ट से एक बेस्ट चीज बनाएंगे। नंबर फोर ये कि आपके अंदर का आर्टिस्ट उभर के बाहर आएगा और आपकी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा इनहेंस होगी। एंड लास्ट नंबर फाइव कि आपको मिलेगी लोगों की तारीफ। एंड यस डेफिनेटली अगर आप एक मैरिड लेडी हैं तो आपके हस्बैंड तो आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं कि वाओ डार्लिंग तुम में ये क्वालिटी भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो देखा कितने सारे फायदे हैं आज के वीडियो के। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है वो वेस्ट मटेरियल जिससे आज हम बनाने वाले हैं बेस्ट चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्रिएटिविटी के लिए हम यूज करेंगे किचन फॉइल्स के खाली रोल्स। इसके अलावा हमें चाहिए फेविकोल, होल करने के लिए नीडल और इस तरह की कुछ स्पार्कल शीट्स। ये क्राफ्ट में यूज होती हैं और इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। मुझे पर शीट ओनली 10 रुपीज की मिली है। और इस तरीके का एक आपको डोरा चाहिए। तो गाइस मैं जो हैंगिंग बनाऊंगी उसका डिजाइन कुछ ऐसा होगा। तो इसके लिए हमें फॉइल को कट करना पड़ेगा, एक सबसे मिडल में लंबा, उसके बाद दो उससे छोटे और लास्ट के दो सबसे छोटे। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। मैंने मार्क लगा लिया है और अब हम इसे नाइफ की हेल्प से कट कर लेते हैं। और मेरे सारे पीसेस कट हो गए हैं। तो सबसे जो मिडल वाला पीस है उसमें मैं ये पिंक कलर की शीट लगाऊंगी। और उसके बाद अच्छी तरीके से ग्लू लगा के इसको हम रोल में पेस्ट कर लेंगे। और बाकी के पीसेस को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। मैंने यूज किया है ब्लू कलर। अब इन रोल्स के एक साइड का जो होल है उसे हमें कवर करना है। तो उसके लिए आप इस तरह से एक राउंड पेपर कट कर लीजिए। और ये देखिए मैंने एक साइड कवर कर दिया है। और उसके बाद आपको जो ओपन दूसरे साइड ओपन साइड है उसको नीडल और पेंसिल की हेल्प से आप ऐसे एक बिग साइज का होल बना सकते हैं, सो दैट कि जो ये डोरा है गोल्डन कलर का वो इजीली उसमें पास हो जाए। तो मेरे सारे पीसेस रेडी हो गए हैं और मैंने जो सबसे बड़ा वाला रोल है उसे कुछ भी कट नहीं किया है, उसमें जस्ट मैंने 2 डिफरेंट कलर की जो शीट्स हैं वो पेस्ट कर दी हैं। तो जो लंबा वाला आपका पीस है उसमें मैंने ग्लू की हेल्प से ये जो गोल्डन कलर का आपका डोरा है उसको अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया है। एंड दैट्स इट, हैंगिंग बन के रेडी है गाइस। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और इतनी इजीली और इतने कम टाइम में कितना अच्छा डेकोरेशन का पीस बन के रेडी है। और
और इसी तरह से मैंने किचन फॉइल के खाली रोल्स को यूज करके एक और हैंगिंग बनाया है और उसको दिया है ब्यूटीफुल सा गोल्डन कलर। तो देखा गाइस कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये हैंगिंग्स बनने के बाद, और किचन फॉइल की रोल्स जो हम हमेशा डस्टबिन में डाल देते हैं उनका कितना अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ है। तो यस, आप लोग भी ये जरूर ट्राई करिएगा और आप इसे नए नए डिजाइंस बना सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यूजफुल लगते हैं, तो आई एम श्योर कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करना नहीं भूलिए, सो दैट कि आप मेरे जो भी नए वीडियोस में बनाती हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं अंजलि जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।